आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इंदौर में नेहरू जयंती पर अनेक आयोजन हुए। प्रमुख आयोजन RNT मार्ग पटेल ब्रिज के पास स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर संपन्न हुआ। यहां पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्य रूप से विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल, विनय बाकलीवाल, राकेश सिंह यादव, जैनेश झांझरी, धर्मेंद्र गेंदर, तुलसीराम हाटिया, निलेश शेलू सेन, संजय बाकलीवाल, कमलेश पटेरिया, पुखराज राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। समस्त पूरे इंदौर शहर ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश को, साथ ही आज बाल दिवस है। जिस प्रकार से चाचा नेहरू ने इस हिंदुस्तान को एक जाजम के ऊपर लाके बैठा था और पूरे ही समूचे हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी थी, मैं उन्हें नमन करता हूँ। साथ ही समस्त सभी व्यक्तियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम आयोजित में आदरणीय विधायक एवं मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, विधायक विशाल पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर जयंती मनाई गई। पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जितना मैं बताऊँ उतना कम है। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। लगभग वो 10 साल जेल में रहे और जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस देश के लिए भांगड़ा नंगल डैम से लेकर जबलपुर का ऑर्डिनेंस सेंटर से लेकर अन्य विकास के कार्य किए। उस समय देश गरीबी के साथ और खाने के अनाज के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश को गरीब हटाने का एक पूरा प्रयास किया। आज नेहरू जयंती दीपावली के पावन अवसर पर आई है तो शहरवासियों को किस तरह बधाई देंगे? मैं अपनी ओर से, शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से और आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं शहरवासियों को देता हूँ और आने वाला साल उनके लिए मंगलमय है और समृद्धि की ओर उन्हें खूब ले जाए।